बोया बाई M1 इज द बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, ये बात आपने 99.9% यूट्यूबर से सुन लिया होगा, बट इज इट रियली द ट्रूथ? पूरा सच जानेंगे और सब जो गलती कर रहे हैं उससे आप बच सकते हो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो। तो चलो पहले इसको। तो ये हमारा बोया बाई M1 का बॉक्स, कुछ ऐसा बॉक्स आपको मिलता है और इसको खोल लेते हैं, देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर से क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। तो पहले मिलता है एक प्रोडक्ट कार्ड, एक यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और एक छोटा सा बैटरी, एक एडाप्टर, एक फोम और फाइनली एक सिलिका जेल मिल ही जाता है। और फाइनली पाउच के अंदर आपको मिल जाएगा अपना बोया बाई M1 का फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा माइक। बिफोर द माइक टेस्ट हमें एक चीज़ समझना होगा जो कि है रिक्वायरमेंट्स। एक न्यू यूट्यूबर को कैसा माइक, कैसे टाइप का माइक चाहिए होगा। फर्स्ट थिंग इज नॉइज कैंसिलेशन, क्योंकि सबके घर में एसी नहीं होता तो हमें फैन से शूट करना पड़ता है और फैन से कैसी नॉइज आती है आप सबको पता है। तो हमें एक डिसेंट नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन चाहिए होगा। नेक्स्ट थिंग इज कंपेटेबिलिटी, क्योंकि अगर आपने फोन के लिए ही XLR माइक ले लिया तो उसको खुद सेटअप करने के लिए आपको ऑडियो यूनिट चाहिए होगा जो कि 10,000 का आता है। बट बोया के केस में ऐसा नहीं है, बोया फोन और कैमरा दोनों में सपोर्ट करता है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा माइक का टेस्ट इस बोया बाई M1 का, और इसके कंपैरिजन के लिए मैंने लिया है एक नॉर्मल सा हेडफोन जो कि है Realme Buds 2, इसका माइक से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो मैंने दोनों माइक को इधर लगा लिया है, आप ध्यान से देखोगे तो इधर है बोया का और ये है Realme के हेडफोन का माइक। तो अब चलते हैं हमारी मेन माइक टेस्ट की तरफ। माइक टेस्ट के लिए मैंने 3 स्टेप रखा है। फर्स्ट स्टेप में हम फैन ऑन करके टेस्ट करेंगे दोनों का रॉ ऑडियो, और सेकेंड स्टेप पे हम फैन ऑफ करके दोनों का रॉ ऑडियो चेक करेंगे, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे हम इन दोनों के ऑडियो को एडिट करके कंपेयर करेंगे। तो अभी फैन ऑन है और आपका आवाज़ आ रहा है Realme Buds 2 के जो माइक है उससे, और कोई भी मैंने एडिट नहीं किया है, पूरा का पूरा रॉ ऑडियो है। तो कैसा आवाज़ आ रहा है आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम स्विच करेंगे बोया बाई M1 पे, तो स्विच करते हैं। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो है बोया के BY M1 माइक से आ रहा है, और कोई भी छेड़छाड़ या फिर एडिट नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट रॉ ऑडियो है आपको आ रहा होगा। फ़ैन के तो बहुत तेज़ी आ रही होगी, फ़ैन बहुत तेज़ चल रहा है, तो आप बताना क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब जो आवाज़ आ रही है वो है फ़ैन ऑफ के साथ, वो भी Realme Buds 2 से। तो इसके बाद हम स्विच करेंगे बोया बाई M1 से। आप सुन लो पहले इस Realme Buds का आवाज़ कैसा आ रहा है रॉ ऑडियो एकदम माइक मतलब फ़ैन ऑफ करके, सॉरी। तो उसके बाद हम स्विच कर लेते हैं बोया बाई M1 के माइक से। तो अब जो आवाज़ आ रहा है आपको वो आ रहा है बोया बाई M1 के माइक से, वो भी फ़ैन ऑफ करके। बहुत ही अच्छा आवाज़ आता है, ये बात है कि बोया का जो लाउडनेस है वो इससे ज़्यादा है और ज़्यादा कैच करता है, तो बाहर कोई भी नॉइज़ आ रहा होगा तो कैच कर लेगा, अगर सब ठीक ठाक है बाहर नॉइज़ नहीं आ रहा तो नहीं कैच करता। तो डिफरेंस आप एकदम पता कर सकते हो। तो आप चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टेप की तरफ। तो अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो वो है पूरा का पूरा अनएडिटेड ऑडियो। अब इसको स्विच करते हैं पूरा का पूरा एडिटेड ऑडियो में। तो अभी जो आप सुन पा रहे हो वो है पूरा का पूरा Audacity पे एडिट होने के बाद ऑडियो। तो मैंने आपके सामने दोनों ऑडियो रख दिया है, दोनों माइक का रख दिया है, तो आप डिफरेंस खुद से पता कर सकते हो। तो अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो वो है पूरा का पूरा अनएडिटेड ऑडियो। अब इसको स्विच करते हैं पूरा का पूरा एडिटेड ऑडियो में। तो अभी जो आप सुन पा रहे हो वो है पूरा का पूरा Audacity पे एडिट होने के बाद ऑडियो। तो मैंने आपके सामने दोनों ऑडियो रख दिया है, दोनों माइक का रख दिया है, तो आप डिफरेंस खुद से पता कर सकते हो। फिर हमें क्या बोया बाई M1 माइक लेना चाहिए? तो मैंने पूरे वीडियो पे कंपैरिजन और टेस्ट करके आपका पूरा क्लियर कर दिया कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और टेस्ट करके बता दिया है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको लेना है कि नहीं। और अगर मेरी मानो तो इफ़ यू हैव अ ड्यूअल माइक फ़ोन और अ डिसेंट एयरफोन तो मत लो। आप थोड़ा सा पैसे और जमा करके एक अच्छा सा कंडेंसर माइक या फिर एक डायनामिक माइक लो।